क्वेश्चन 36। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है देखने में। डाउट्स बताएं, एक-एक करके जल्दी बोलें। फर्स्ट, और किसी पार्ट में डाउट है आपको? सब में हो सकता है, तो आप अपने पूरे पूछें। आपको कोई पार्ट में डाउट? कोई पार्ट में डाउट किसी को? किनसे पूछ रहा हूं मैं, जिन्होंने काम नहीं करा? ध्यान से देखना बेटा। क्वेश्चन 36। अशोक, भास्कर, चमन, पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1:3, 1:2, 1:3, 1:3। तो ध्यान से देखना बेटा। 6, 3, 2, 2, 3, 1। बी केयरफुल, क्योंकि नॉर्मली 3:2, 2:1 होता है, तो इसलिए वो 1:3, 1:3 दो बार मैंने, मतलब जस्ट टू बी श्योर कि क्या ये 1:3 है। हाँ ये 1:3 है, 1:3 इज 2:6, तो द रेशियो इज 2:3:1, नॉट 3:2:1। पहले तो ये ध्यान रखना है, जल्दबाजी में गलती हो जाती है। क्या बैलेंस शीट में कोई रिजर्व है? हाँ जी है। क्या एसेट साइड पे कोई अक्यूमुलेटेड लॉस है? हाँ जी है। क्या कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है? नहीं है। चलो आगे बढ़ेंगे। चमन रिटायर्ड, चमन 1/6, उसको बर्दाश्त नहीं हुए, वो कह रहा कि मेरे को नहीं करना तुम्हारे साथ काम, वो रिटायर कर गया। गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 240, चमन शेयर ऑफ गुडविल टू बी एडजस्टेड इन द कैपिटल्स ऑफ अशोक एंड भास्कर हु विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। नाउ दिस इज द न्यू रेशियो, तो फर्स्ट स्टेप रेशियो कैलकुलेशन करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, फर्नीचर बाय 5%। एक अच्छा क्वेश्चन था, करते आपका चैप्टर रिवाइज होता। स्टॉक टू बी इंक्रीज बाय 15%, स्टॉक को बढ़ाना है, फर्नीचर की वैल्यू को कम करना है, प्लांट एंड मशीनरी को कम करना है, बिल्डिंग 10% से बढ़ानी है वैल्यू। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी रेज्ड टू 20,000, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी बढ़ाने हैं। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। तो ऑर्डर में चलेंगे, तो स्टेप 1, व्हाट इज स्टेप 1? रेशियो कैलकुलेशन। अमाउंट के कॉलम सेम साइज होने चाहिए। ध्यान से देखें, वर्किंग नोट। कैलकुलेशन ऑफ रेशियोस, ओल्ड रेशियो, क्या नाम है? अशोक, भास्कर, चमन। अशोक, भास्कर, चमन 2:3:1। चमन रिटायर्ड, न्यू रेशियो इज 3:2, 3:2। तो ध्यान से देखेंगे बेटा, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, करके बात करेंगे। अशोक, न्यू रेशियो इज माइनस 5, 6, 6, 3 18, 6, 5, 5, 2 10, 8/30। अशोक, भास्कर, न्यू रेशियो 2/5 माइनस 3/6, 30, 6, 2 12 माइनस 15। तो भास्कर भैया सैक्रिफाइस कर रहे हैं, भास्कर भैया सैक्रिफाइस कर रहे हैं। और चमन सैक्रिफाइस, ये क्यों कर रहा हूं मैं? जस्ट टू बी श्योर कि टोटल सैक्रिफाइस शुड बी इक्वल टू टोटल गेन। उसका तो जो शेयर है वही सैक्रिफाइस है। 30 के टर्म में अगर बात करें तो 5/30, तो टोटल सैक्रिफाइस इज 8/30, टोटल गेन इज 8/30। तो बेटा हमें क्या करना होगा? गुडविल, हमें क्या करना होगा? गुडविल। अभी तबीयत ठीक है आपकी? बैठ जाओ। और कोई बीमार फील कर रहा है? आप बीमार तो नहीं फील कर रहे? उससे टांगों में दर्द तो नहीं हो रहा? बॉडी में एनर्जी है खड़े होने की थोड़ा सा? प्लीज, ऐसे ना याद रहता है कि हमने कोई गलती करी थी।
वरना तो भूल जाएंगे ना, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म वी वैल्यू एट 240, ठीक है जी। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वर्क नोट नंबर 2, गुडविल 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 क्या कह रही है गुडविल। कौन है अशोक, एक एक करके सबका शेयर करेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म इज 2,40,000, 240 है ना अशोक शेयर, 240 कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, 8/30, 3/8 नहीं आराम से, 3/8 ठीक है, 8/8 = 64, 8/8 = 64। तो ये कौन है गेनिंग पार्टनर है, डेबिट। दूसरा कौन है भास्कर, भास्कर शेयर 240 × 3/30, 8/3 = 24,000 क्रेडिट। और तीसरा कौन है चमन, चमन शेयर इज 240 × 5/30, सुनने पे ध्यान देंगे, 240 × 5/30, 8/5 = 40। तो डेबिट्स और क्रेडिट्स जैसे निकालते हैं वैसे ही निकाले, कोई नई बात तो नहीं है इसमें, किसी को कोई डाउट। तो अब ये तो बहुत बार हो चुका है ना कि एग्जिस्टिंग पार्टनर इज ऑल्सो सैक्रिफाइसिंग, रिटायरिंग पार्टनर तो सैक्रिफाइस करेगा ही करेगा, एक एग्जिस्टिंग पार्टनर भी सैक्रिफाइस कर रहा, तो क्या करते हैं, समझ आ गया ना। गुडविल इज द कॉम्पनसेशन गिवन बाय द गेनिंग पार्टनर टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। चलो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी हो गई, अब जल्दी से रॉकेट की स्पीड में क्वेश्चन करते हैं। 3 लाख 4 लाख 250, थ्री लाख 4 लाख 250, रेशियो कैलकुलेशन से कोई लेना देना है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डेबिट कौन हो रहा है अशोक भाई, अशोक कैपिटल किसको मिल रहा है, भास्कर और चमन, भास्कर को 24, चमन को 40, भास्कर को 24, चमन को 40, 2 भास्कर कैपिटल, 2 चमन कैपिटल किसको मिल रहा है, हम किसको क्या मिल रहा है अशोक डेबिट हो रहा है, 24 एंड 40, 64 से डेबिट हो गया। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डन, कोई डाउट। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, तो ये एडजस्टमेंट हो गई। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व 220 और रेशो में बांट दो बाय जनरल रिजर्व 220, ऐसा क्यों किया इन्होंने हमारे साथ, 220/6, 36,667, तो 2:3:1, 73,333, 220 ना, तो 1,10,036,667 ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, डेसिमल्स में आ रहा है तो कुछ नहीं कर सकते हम, रिजर्व है कर दिया, लॉस भी है, बी केयरफुल, ये लॉस राइट ऑफ होगा, मिस हो जाता है, तभी तो मैं कह रहा हूँ ना हाईलाइट करने हैं, 60,000 डेबिट हो जाएगा कैपिटल अकाउंट को। 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, 60,000 है, 20, 30, 10 क्लियर, 20, 30, 10 रिजर्व्स डन, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस डन। अब क्या होगा, रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, 2 प्लांट एंड मशीनरी 40,000 डेबिट से क्रेडिट 40,000, फर्नीचर बाय 5%, फर्नीचर 5,000, तो फर्नीचर 5,000,
बैलेंस शीट एक साथ बना लेंगे। चलो बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर स्टॉक कर देते हैं। बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर स्टॉक, क्या कर चुके हैं हम? प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रिशिएट, प्लांट एंड मशीनरी 360 और फर्नीचर 5% कर चुके हैं 5000, 95000। नेक्स्ट, स्टॉक टू बी इंक्रीज बाय 15%, स्टॉक 250, 37,500। पहले वैल्यू क्या थी? 250, 287,500। बिल्डिंग बाय 10%, बिल्डिंग 50,000। फिफ्टी थाउजेंड, 550। बिल्डिंग हो गया जी, स्टॉक हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी रेस्ड टू 20,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बढ़ा रहे हैं टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना था? 5,000। 15,000 से बढ़ गए, 15,000 से बढ़ गए। तो डेटर्स कितने हैं? 180। माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना? 20,000। 1,60,000, 1,60,000। एक एक करके बात करते हैं। एडजस्टमेंट सारी दिखा दी हमने, ठीक है। बिल्डिंग ठीक है, कैश पे तो लास्ट में आ जाएंगे हम, अभी देखते हैं उसको। एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं, सारी एडजस्टमेंट्स हो गई तो रिवैल्यूएशन को क्लोज कर देते हैं। फिर रिवैल्यूएशन, क्रेडिट्स, क्रेडिट ज़्यादा हैं तो प्रॉफिट होगा 87,500 माइनस, देखते हैं। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कौन है जी? अशोक, भास्कर एंड चमन। 87,500 माइनस 60,000, 27,500 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 2, 9,167, सॉरी 27,500 तो एक होता है, 9,167, 13,750, 4,583, वेरीफाई, 4,583 प्लस 13,750 प्लस 9,167, 27,500 गेन है, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना? 9,167, 13,750, 4,583। टू बैलेंस कैरेट डाउन, 3,73,333 प्लस 9,167, 382,500 माइनस 24,000 माइनus 60,000, 298,500। भास्कर 424 प्लस 123,750, 547,750, 547,750 माइनस 30, 517,750। मतलब कुछ गलत किया है? वेरीफाई कर लेते हैं। डेबिट्स क्रेडिट्स हैं 373,
प्लस 9167, 373, 333 प्लस 9167, 382500 माइनस, ओके 84000, एटी 84000 ही तो माइनस करना था। व्हाट इज द डाउट? सही है, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे एक साथ, फिर डिस्कस कर लेंगे। क्रेडिट्स 424 प्लस 110 प्लस 13750 माइनस 31775 0, ठीक है। क्रेडिट्स 290 प्लस 36667 प्लस 4583 331250 माइनस 10000 321250। इसका तो अब हाँ रिटायरिंग पार्टनर है, तो हम पढ़ेंगे कि कुछ पैसे दिए क्या, कुछ मेंशन नहीं है, तो इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। वो एंट्री पहले आती है, बैलेंसिंग लास्ट में होती है। चमन रिटायर हो रहा है, भास्कर रिटायर हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू चमन्स लोन अकाउंट, टू चमन्स लोन अकाउंट, जो भी उसका क्लोजिंग बैलेंस है वो लोन में ट्रांसफर हो जाएगा। कितना? 321250। और कोई एंट्री है यहाँ पे? गेन हो गया, कोई एंट्री है ही नहीं ना। ठीक है, अब ध्यान से देखना, एक मिनट, एक एक करके क्लोज करते हैं। ये तो टोटल आ जाएंगे, बस यहाँ पे क्या दिखाना है, लाइबिलिटीज में कैपिटल रिजर्व बढ़ गया, क्रेडिटर्स लोन पेबल अलग है। ठीक है, करते हैं डिस्कस अगर कोई दिक्कत है तो। कैपिटल्स बचे कौन? अशोक और भास्कर। चमन ही रिटायर हुआ ना पक्का? अशोक एंड भास्कर। अशोक 298500, 517750, 298500 प्लस 517750, 816250। ठीक है जी, ये हो गए कि कैपिटल्स, और हमारा क्या है, चमन का लोन अकाउंट, क्रेडिटर्स 250, चमन्स लोन अकाउंट, कितने का लोन? 321250, 321250 सन्ड्री क्रेडिटर्स 250, लोन पेबल 150। उसमें मर्ज नहीं करा क्योंकि वो तो नॉर्मल लोन है। लोन पेबल कितना है? 150। 150 कैश की कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई, तो कितना कैश है? 85000 कैश है, 85000। चलो मोमेंट ऑफ ट्रुथ, 321250 प्लस 4 लाख्स, 1537, 500, 550 प्लस 360 प्लस 95 प्लस 287, 500 प्लस 160 प्लस 85, 1537, 500, 1537, 500। चमन लोन 321250। मैच तो कर रहे हैं, ऐसे अजीब अजीब से शक्लों से क्यों देख रहे थे मुझे? तो कर रहे हैं ना 298, सब कुछ तो सही है, ऐसे ही डाउट में डाल देते हो। क्वेश्चन नंबर 36 पूरा इसलिए करा कि एक बार फिर रिवाइज हो जाए कि बड़े क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट हो करा जाता है, ठीक है ना बेटा? प्लीज, अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा मेरी मेहनत का।